जिस तरह से आपको बताया, आज पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक की इस हड़ताल से जहां पूरे देश में बैंक बंद रहे तो वहीं लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। साथ ही आपको बता दें, स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। एके मिश्रा अर्थशास्त्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले एके मिश्रा जी, आपसे सवाल, जिस तरह से देखा जाए वेतन बढ़ोतरी को लेकर बैंक कर्मचारी दो दिन हड़ताल पर हैं, क्या लगता है इससे इसके क्या कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं? मैं इन बैंक कर्मचारियों से पूछना चाहता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, आप जरा इनसे पूछे कि इनकी इफिशियंसी क्या है। अभी SBI की रिपोर्ट आई है, फर्स्ट क्वार्टर में तो 4,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। जरा इन लोगों से पूछिए कि पब्लिक के पैसे यहाँ पे आके जमा करते हैं, कभी इन्होंने पब्लिक को सर्विस देने के लिए कभी ऐसी स्ट्राइक या इतना इफर्ट डाला? आज पैसा जमा करो तो बैंक पैसे काट रहे हैं, पैसा निकालो तो उनको सर्विस चार्ज चाहिए, सारी चीजें। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का मैनेजमेंट टॉप बॉटम जितने इम्प्लाई हैं, क्लर्क से लेके चेयरमैन तक, आप ये पूछिए, पब्लिक के पैसे को लेके आपने मजाक समझा है कि आप विजय माल्या जैसे लोगों को दे देते हैं और फिर हाथ खड़ा कर देते हैं आपस में बंदर बांट करके कि जी अब वो तो गया, अब हमें NPA मिलेगा नहीं, अब फिर से पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा के इनको पैसा दिया जाए। ये हड़ताल नहीं है, ये चोरी और सीनाजोरी का लाइव एग्जाम्पल है जो हमारे देश में चल रहा है। एके मिश्रा जी, जिस तरह से देखा जाए, आप कह रहे हैं कि अगर ऊपर से लेके नीचे तक, क्लर्क से लेकर और बॉटम से लेकर टॉप तक की अगर बात करें, तो उन कर्मचारियों का कहना है कि 2014 से हमारी मांग है कि हमारी वेतन में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन अब जो हमारे पास फीडबैक आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बढ़ोतरी होगी 2% की। कर्मचारी चाहते हैं कि ये जो बढ़ोतरी है वो 10-15% की हो। नहीं देखिए, मैं एक चीज, बढ़ोतरी होना पे में वो जरूरी है, एक दूसरा एंगल भी है कि महंगाई बढ़ रही है तो उसको गवर्नमेंट कंपनसेट कैसे करे, या तो महंगाई ना बढ़ने दे, ये एक दूसरा पॉइंट है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ, जरा इन बैंक कर्मचारियों से पूछिए, 2014 से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, एग्रीड, ये गलत चीज है, लेकिन इनसे पूछिए कि 2014 से आपने अपने बैंक का प्रॉफिट या अपने काम करने का तरीका कितना आपने बढ़ाया है। सारी की सारी लिस्ट आ रही है कि सारी बैंकें घाटे में चल रही है, तो जरा परफॉर्मेंस पैरामीटर पे भी तो देखिए, पहले इनको बोलो परफॉर्म करो, फिर डिजर्व और डिमांड करो। आप डिजर्व करते हो किसी चीज? मैं तो समझता हूँ ये इस चीज के लिए भी डिजर्व नहीं करते हैं, अगर सारे बैंक NPA और घाटे में चल रहे हैं, उसके कारण इतना बवाल हो रहा है कि बैंकें और अर्थव्यवस्था डूब रही है, तो जरा इन सम्मानित जो है, जो बैंक के कर्मचारी है, जरा इनसे 2-4 लाइन पूछ लीजिए कि सर आपका बैंक कितने करोड़ घाटे में चल रहा है, जरा 4-6 पॉइंट बताइए कि आप इसको 6 महीने साल भर में कैसे प्रॉफिट में ले आएंगे, और कैसे जो आपने एडिशनल टैक्स वगैरह या आपने सर्विस चार्जेस जो आपने कस्टमर के ऊपर लगाए हैं कि पैसे निकालो तो हम काटेंगे, जमा करो तो 10 साल के लिए रखेंगे, तो ज्यादा 20 साल के लिए रखोगे तो हम और आपसे जो है। एके मिश्रा जी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं। एके मिश्रा जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि इस हड़ताल की वजह से हर दिन 39 लाख इंस्ट्रूमेंट्स क्लियरेंस पर असर पड़ेगा। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्लियरेंस की जो वैल्यू है वो 21,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मैं तो आपको बताना चाहूँगा, जब भी कहीं स्ट्राइक होती है, इसके लिए ऐसे जो कि आधारभूत व्यवस्था में जो शामिल होती हैं जो संस्थाएं, जैसे बैंकिंग होती है, तो हड़ताल से केवल ये नहीं है कि यहाँ कैश का लेन देन रुक गया, मल्टी लेयर मल्टी फोल्ड इसका असर पड़ता है। अब देखिए, जितने बिजनेस हाउसेस हैं सबके चेक, सबका चेक, ट्रांजेक्शन, ATM वगैरह सब ठप पड़ा है। एक तरीके से अगर पूरे बैंक में हर जगह हड़ताल है, तो आप ये मान लीजिए पूरी की पूरी देश की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरी हड़ताल पे है, स्ट्राइक पे है, एक भी पैसे का लेन देन नहीं हो पा रहा है। इसका जरा एक देखिए कितना भयंकर इसका नुकसान होता है। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई बीमार है और आपको 100, 200, 500 रुपए कैश ATM से निकालने हैं, तो इस हड़ताल की क्या कीमत होती है? वहाँ पे उस आदमी से पूछिए जो 500 रुपए के लिए दर दर भटक रहा होगा और वो निकाल नहीं पा रहा होगा और दवा ना खरीद पाने के कारण उसके घर में डेथ हो जाती है। देखिए, ये हड़ताल केवल ये नहीं है कि आप हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारी सैलरी कम है, हड़ताल ये दिखाती है स्पेशली कुछ ऐसे आधारभूत जो व्यवस्थाएं हैं या जो आप समझिए सेक्टर्स है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, ये सब हो गए, ये हड़ताल ये दिखाती है कि मानसिक और मानवीय संवेदना आपके अंदर खत्म हो गई है। आप केवल और केवल अपने पैसों के लिए, अपने सैलरी के लिए स्वार्थ पे पड़े हैं, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, चलिए एके मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, साथ ही स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।